हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूं एक बहुत ही क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी, मुंबई का बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड कांधा पोहा। अब जब हम स्ट्रीट वेंडर से पोहा लेते हैं तो वह होता है बहुत ही सॉफ्ट और उसका हर दाना होता है अलग अलग, लेकिन जब घर पर बनाने लगते हैं कुछ एक प्रॉब्लम्स जो लोगों के साथ आती हैं कि या तो बन जाता है बहुत ही चिपचिपा, बहुत ही सॉगी या फिर बहुत ही ज़्यादा ड्राई। एक और प्रॉब्लम आती है कि जब बना तब तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सा बना, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह कड़क हो गया। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सभी टिप्स जिससे आपका पोहा बनेगा सॉफ्ट, फ्रेश होगा तब सॉफ्ट और बाद में भी सॉफ्ट ही रहेगा। और वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि पोहा बना है खिला खिला। इन सभी टिप्स को जानने के लिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल कांधा पोहा। इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है थिक पोहा, मोटे वाला पोहा लेना है। महाराष्ट्र में इसे जाड़ा पोहा भी बोलते हैं। अब अगर मैं घर की बात करूं तो मैं तो मुट्ठी से नापती हूं, दो सर्विंग्स के लिए 5 मुट्ठी ले लेती हूं, पर मैंने इसको वे किया तो 200 ग्राम बनता है और मेजरिंग कप से नापूं तो ये 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। अब इस रेसिपी में जितना मैंने पोहा लिया है, देखिए जिस कटोरी में, उसे बस थोड़ा सा ही कम मैंने अनियन लिया है। अनियन यानी कि कांधा, महाराष्ट्र में कांधा बोलते हैं। इस रेसिपी में खूब सारा कांधा डलता है, खूब सारा प्याज डलता है, तभी इसका नाम कांधा पोहा है। और इतना प्याज डालने से हमारा पोहा बनेगा बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। तो आप समझिए, एक कटोरी पोहा के लिए 3/4 कटोरी आप चॉप्ड अनियंस ले लीजिए। जनरली मैं सबसे पहले तो पोहा को वॉश कर लेती हूँ और जितनी देर में वह सोख होता है उतनी देर में मैं प्याज, धनिया, हरी मिर्च वगैरह काट लेती हूँ। जितनी देर में प्याज का मसाला रेडी होता है उतनी देर में ही हमारा पोहा भी सफिशेंट टाइम के लिए सोख हो जाता है। आज मैंने आपको वीडियो में दिखाना था, इसीलिए मैंने सब कुछ पहले से ही काट कर रेडी किया हुआ है। इस रेसिपी में साथ में मैं डालूंगी हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया, कड़ी पत्ते 6-7 पत्ते ले लें काफ़ी हैं, 2 बड़े चम्मच जितनी मूंगफली। इसकी क्वांटिटी आप चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट अनुसार। और 4 से 5 हरी मिर्च, मोटा मोटा काट लिया है मैंने हरी मिर्च को, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। और साथ में मुझे चाहिए होगा नींबू का रस। अब सबसे पहले तो पोहा को वॉश कर लेते हैं। पोहा को वॉश करने के लिए मैं डाल रही हूँ छन्नी में। अब सबसे पहले तो पोहा को आप विजुअली चेक कर लें, इस पर कोई ना कोई ऐसा दाना निकल ही आता है जो कि पोहा नहीं है, कोई मिलावट है। इसे साफ़ करने के बाद हल्का सा छान भी लें तो पोहा का जो बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा है वह नीचे निकल जाएगा, नीचे छन जाएगा। सिंक में छन कर गिर ही रहा है, आप देख ही सकते हैं। इससे बस ये होगा कि हमारा पोहा खिला खिला बनने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अब इसके ऊपर पानी डालेंगे इसे वॉश करने के लिए। अभी देखिए, पहले तो ये बिल्कुल ऊपर वाले सरफेस पे पानी टच हो रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से हर दाना सोख हो जाए उसके लिए थोड़ा सा इसे आप पलट कर, हल्के हाथ से इसे आप पलट कर सारे ही पोहा को वॉश कर लें। हाथ से प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, पोहा को तोड़ना नहीं है हमने, बहुत हल्के हाथ से पलटें। इस तरह से पोहा वॉश भी हो जाता है और इतना गीला भी हो जाता है कि वह सोख हो सके। पोहा होता है फ्लैटेंड राइस, तो इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसे दोबारा से रेजुविनेट करना पड़ता है, थोड़ी सी जान डालनी पड़ती है, रिहाइड्रेट करना पड़ता है, इसीलिए हम इसमें पानी डालते हैं। अभी मैं 15 मिनट के लिए इस छन्नी को यहीं पर सिंक पर ही छोड़ दूंगी ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। अब 15 मिनट में इसमें कुछ पानी तो सोक्ड ही रहेगा, पोहा सूखेगा नहीं, और वह जो पानी है उसी की स्टीम से पैन में ये पोहा कुक होगा। फ्रेंड्स, सॉफ्ट पोहा बनाने के लिए ये टिप कि इसको आप बहुत ज़्यादा देर के लिए सोक ना करें, 15 मिनट के लिए बहुत है। पोहा बनाने के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ गैस पर, अभी तो मीडियम हीट पर। और फ्रेंड्स, क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी बना रहे हैं तो मैं बर्तन भी वही यूज़ कर रही हूँ जो कि स्ट्रीट वेंडर्स यूज़ करते हैं, लोहे की कढ़ाई ली है। कढ़ाई गैस पर चढ़ाने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रख लें कि आपके पास सारा सामान रेडी हो, कटा हुआ रेडी हो, क्योंकि एक बार ये कुकिंग स्टार्ट हो गई तो बस हमने एक के बाद एक चीज़ें कढ़ाई में डालते जाना है। एक बार कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच जितना तेल। अब तेल इस तरह से डालूंगी कि कढ़ाई की जो वॉल्स हैं उस पर भी तेल लग जाए। तेल भी झटपट से ही गर्म हो गया है। गैस को करूंगी लो हीट पर और इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच राई और 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा। इन्हें बराबर चलाते हुए भून लूंगी। जैसे ही राई और जीरा चटकने लगेंगे इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हींग। इसे भी कुछ 1 सेकेंड्स के लिए कर लूंगी फ्राई। हीट अभी लो पर ही है। इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता। यह तेल में हमेशा ही तड़कता है तो थोड़ा सा ध्यान से डालें। कुछ ही सेकंड्स में इसमें मैं डाल दूंगी कटा हुआ प्याज। मैं कुकिंग बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल कर रही हूँ तो बिल्कुल गैस की सेटिंग्स भी वैसी ही रहेंगी। हीट को भी कर रही हूँ हाई पर और इसे बराबर चलाते हुए भून लूंगी। आपने गैस पर कौन सा पैन या कढ़ाई रखी है उसके हिसाब से आप हीट सेटिंग का ध्यान रखें। प्याज जलना नहीं चाहिए। भूनते हुए अभी 1 मिनट हुआ है तो इसमें मैं डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्च,
इसे भी कुछ सेकंड्स भून लूंगी। अब देख रहे हैं कांधा पोहा में कितना सारा प्याज डलता है, इतना डालेंगे तभी वो स्ट्रीट स्टाइल वाला स्वाद आएगा। कंजूसी मत करिएगा प्याज डालने में। अब इस रेसिपी के लिए हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, प्याज रहेगा गुलाबी, हल्का पिंक रहेगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, तो उससे हमारा पोहा रहेगा सॉफ्ट और जूसी और साथ में वह हल्की सी मिठास भी देगा पोहा को। हरी मिर्च डाले हुए अभी 30 सेकेंड्स ही हुए हैं, तो अभी मैं डाल दूंगी मूंगफली। अब जितनी देर में प्याज फ्राई होगा उतनी देर में ही मूंगफली भी फ्राई हो जाएगी। मूंगफली को कभी भी प्याज से पहले मत फ्राई करिए, नहीं तो प्याज भुनते तक वह बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, ब्राउन हो जाती है बिल्कुल। कढ़ाई में प्याज डाले हुए ऑलमोस्ट 3 मिनट हो गए हैं और अब प्याज है बिल्कुल रेडी। इसमें डालूंगी 3/4 छोटा चम्मच चीनी और स्वाद अनुसार नमक। मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, हीट को मैंने अभी कर दिया है लो पर। इन सबको करूँगी मिक्स और साथ में ही डाल दूंगी हल्दी पाउडर भी, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। स्ट्रीट स्टाइल पोहा में ज़्यादा हल्दी नहीं डलती है। हल्दी को भी कर लूँगी प्याज के साथ फ्राई। अपने पोहा को भी चेक कर लेते हैं, वह भी अब सोख होकर रेडी है। ये देखिए कैसे ये फ्लफ अप हो गया है, फूल गया है पोहा पानी एब्जॉर्ब करके। पोहा को हल्के हाथ से इस तरह से आप सेपरेट भी कर लें और आप देख सकते हैं पोहा का हर दाना अभी छन्नी में ही अलग अलग है। इसमें से अभी आधा पोहा मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और इसे मसाले के साथ मिक्स कर लूंगी। हीट को मैंने अभी तेज़ नहीं किया है, हीट अभी लो पर ही है। बाकी का भी पोहा डाल देती हूँ, फिर इकट्ठे ही मिक्स करते हैं। ये बस 2 इंस्टॉलमेंट्स में इसीलिए किया है ताकि जो नीचे प्याज का मसाला बनाया है वह नीचे लग ना जाए। अब गैस को करेंगे फिर से हाई पर, 1 मिनट बराबर चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। इतना ही करना होता है पोहे में, उससे ज़्यादा कुकिंग नहीं चाहिए होती है, 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम। अभी ये 1-1.5 मिनट में क्या होगा, जो भी पानी पोहा ने अब्जॉर्ब किया था उसकी बनेगी स्टीम और उससे पोहा की कुकिंग हो जाएगी कम्प्लीट। इसको मैं अभी ढक भी नहीं रही। जब चावल से पोहा बनता है तो वह काफ़ी सारे स्टेप्स से गुजरता है और उसी वजह से पोहा को इस टाइम पर ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इस टाइम पर पोहा को बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो फिर पोहा हो जाएगा आपका बिल्कुल ड्राई और ठंडा होने के बाद तो वह कड़क ही हो जाएगा। अगर आपको इस टाइम पोहा बनाते वक्त ही लग रहा है कि वह थोड़ा सा सूख रहा है तो इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दें, 1 या 2 बड़े चम्मच। अगर बटर मिल्क पड़ा हो तो वह भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने पोहा तो हो गया है रेडी, गैस को कर दिया है बंद और इसको टेस्ट भी कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बना हुआ है पोहा। इसमें अब मैं डालूँगी ये धनिया पत्ता खूब सारा। आप फ्रेंड्स इस टाइम पर इसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस भी डालें। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे घर में सब पोहा में नींबू पसंद नहीं करते हैं, लेकिन नींबू डालने से भी पोहा खिला खिला रहता है। मैंने पोहा कढ़ाई में डालने के बाद घड़ी देखकर 1.25 मिनट कुक किया है। अगर आपका पोहा बिल्कुल सही तरीके से सूख हुआ है तो बस इतनी ही कुकिंग चाहिए इसे। अभी मैं पोहा तो बन गया है लेकिन बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैं इसे निकालने लगी हूँ सर्विंग बोल में। अब अगर आप सारे ही पोहे को गर्मा गर्म सर्व कर रहे हैं तो सर्विंग बोल में निकाल लें, लेकिन अगर ऐसा है कि सारा सर्व नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सा कढ़ाई में ही छोड़ने वाले हैं तो कढ़ाई वाला पोहा ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट रहे, तो उसके लिए हम करेंगे एक छोटा सा काम। अभी के लिए सर्विंग बोल को रखती हूँ साइड पर और इसे बाद में दिखाती हूँ कि कैसे सर्व करना है। अब देखिए जो कढ़ाई में बच गया है इसको कैसे सेव करें। गैस बंद है लेकिन कढ़ाई काफ़ी गर्म है, तो इस पोहा के ऊपर मैं लगभग 2 बड़े चम्मच जितना पानी छिड़क दूंगी। इसको करूंगी मिक्स और अब इस पानी की तो झटपट से बन जाएगी स्टीम और उस स्टीम से कढ़ाई में जितना भी पोहा चिपका भी हुआ है अगर तो वह भी उतर जाएगा और बाकी का बचा हुआ पोहा सॉफ्ट रहेगा। इसे अब मैं ढक कर रखूंगी। बाद में सर्व करते टाइम अगर इसे लग रहा है कि थोड़ा सा सूख रहा है तो हल्का सा पानी का छिड़काव करके फिर गर्म कर लें। जो पोहा मैं बिल्कुल ही फ्रेश गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ उसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और साथ में सर्व करूंगी 1 नींबू का स्लाइस। फ्रेंड्स आप वीडियो में दिखाए हुए टिप्स के अनुसार अगर बनाएंगे कांधा पोहा तो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनने वाला है और रहेगा खिला खिला। आप और स्ट्रीट फूड्स की रेसिपीज़ देखने के लिए इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।